दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपने खानदान के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में किसी की खुशी या गम में इतने अच्छे पुर असर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की या खुशी डबल हो जाती है या गम आधा रह जाता है। अलमिया ये है कि लोग आपकी अच्छाई के बारे में तो पूरी तस्दीक करेंगे, लेकिन बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। जुबान काट कर रख देंगे नफरत के हंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। बातों को बुलाने की आदत डालें, हर बात याद रखना अपने दिमाग का सुकून खराब करना और उसे कबाड़खाना बनाना होता है और इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखें, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, इसी तरह हर बात सुनने वाली नहीं होती। वालद की कदर करो, वालद के सामने ऊंचा ना बोलो, वालद की सख्ती बर्दाश्त करो, वालद का एहतराम करो, वालद की बातें गौर से सुनो, वालद के सामने नज़रें झुका कर रखो। वालद की ज़िंदगी तजर्बात की खुली किताब है। अगर उस्ताद बज़ाहर नालायक बच्चे में फ़क्त ये यकीन पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है, तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है। हज़रत वासफ अली वासफ फरमाते हैं, जब इंसान का तवक्कल कमज़ोर पड़ जाए तो वो अल्लाह पाक की अता करता बेशुमार नेमतों को जुटला कर उन आसाइशात के पीछे पड़ा रहता है जिनसे वो महरूम रहता है। इस तरह वो आजज़ और शुक्र से महरूम होता चला जाता है। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अकल का करो जो धोखेबाज को दोस्त समझते रहे।